बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से शिल्पा शेट्टी, वहीं दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन शमिता शेट्टी बॉलीवुड में अपनी खास पहचान नहीं बना पाई। जानकारी दे दे कि हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में शमिता मीडिया से अपने करियर के साथ मिले एक्सपीरियंसेस को शेयर करती नजर आईं। बता दें, शमिता ने कहा कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली और कम्प्लीटली फिल्म्स कर पाती तो डिफरेंट टाइप्स के रोल से वो अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और उनको क्या करना पसंद है, ऐसी चीजों को समझ पाती। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी फिल्में की हैं, वो आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट जैसे बड़े नामों के साथ की हैं, जिस वजह से वो एक एक्टर के तौर पर ग्रो कर पाई हैं। शमिता ने ये भी कहा कि उन्हें ये एक्सेप्ट करने में कोई डर नहीं है कि इंडस्ट्री में उनका कभी स्टेबल करियर नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी फिल्म की क्वालिटी या फिर उस मूवी से उन्हें जाना जाए इस बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनके दिल को अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई ऐसी मूवीज की हैं जिन पर उन्हें गर्व नहीं है, और साथ ही उन्होंने एक टाइम पर 4 मूवीज भी की जो किसी कारण से कभी रिलीज नहीं हो पाई। शमिता का कहना है कि इस बात से उन्हें पछतावा नहीं बल्कि एक्सपीरियंस मिला है। शमिता ने ये भी बताया कि उन्होंने कई फिल्मों को ना कहा, जिसके चलते डायरेक्टर्स ये सोचने लगे कि वो मूवीज में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कारण उनके पास धीरे धीरे मूवीज के ऑफर्स आना कम हो गए, जिसके चलते उन्होंने अपना सेकंड प्रोफेशन यानी इंटीरियर डिजाइनिंग चुना। बता दें, फिलहाल ही में शमिता एक वेब सीरीज ये के हुआ ब्रो में नजर आई थी। ये भी बता दें कि उन्होंने इस इंटरव्यू में फिल्मों में वापसी करने की भी बात कही थी। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। Please subscribe for more updates.